दोस्तों अभी बात करेंगे बीपीएससी टीआर 3.0 के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे आ गई। सबसे पहला देख पा रहे हो 2.0 को लेके स्कूल टीचर कम्पिटेटिव एग्जाम का देख पा रहे हो। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे जो पब्लिश हुआ था 1 फरवरी से, देख पा रहे यहाँ पर कहना अप्रूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मिसिंग है 15 फरवरी तक, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वेब एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑफिशियली यहाँ पे डाला गया है बीपीएससी द्वारा। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पे कल्याण विभाग की तरफ से जो इनका भी छूट गया, ये मिसिंग है या क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे देख पा रहे हो अपलोड करने का जगह यहाँ पर दिया गया, अपलोड कर सकते हैं 15 फरवरी तक। अपलोड किए गए दस्तावेज जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित होगा कंप्लीट निकाल कर आपको वेरिफिकेशन के वक्त दिखाना होगा। और दूसरी स्तर पर अपडेट है, देख पा रहे हो यहाँ पर फिलहाल पदों की संख्या यहाँ पर लेवल के तहत यहाँ पर निकाला गया है, जो कि व्यवस्था आपको देखने को मिल जा रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो विद्यालय अध्यापक के लिए बात करें यहाँ पर 1 to 5 में 11,039 और 6 to 8 में 5,957, 9 to 10 में 4,316, 11 to 12 में 4,074 दोस्तों वैकेंसी फिलहाल शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसी साथ दोस्तों एक और बहुत प्रीवियड देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा प्राधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से यहाँ पर देख पा रहे बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26 द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक 1 to 5 देख पा रहे सामान्य उर्दू 9 to 10 सभी विषय, 11 से 12 के सभी विषय प्रथम इंप्रेशन का मिलान हेतु यहाँ पे प्रखंडवार तिथि का निर्धारण किया गया था। उपस्थित यहाँ पे विद्यालय अध्यापक जिनका थम इंप्रेशन मिलान नहीं हो सका है, वैसे विद्यालय अध्यापकों को एक मौका दोबारा दिया जा रहा है, डेट निकाल दिया गया है। ये सही प्रखंड का देखो नाम है, आप करा सकते हो, निर्धारित डेट 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया, जो कि यहाँ पर सभी का अलग डेट है प्रखंड का आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, क्योंकि 27 डेट दिया गया है। थम इंप्रेशन का मिलान कार्यालय में संधारित पंजी के क्रमानुसार की जाएगी। प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित को संबंधित विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक देख पर ये सभी उपस्थित होकर थम इंप्रेशन का मिलान कराना सुनिश्चित करेंगे। वही देख पा दोस्तों यहाँ पर जिला शिक्षा प्राधिकारी ऑफिस नोटिफिकेशन है यहाँ पर प्रकू जारी है। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमित 2023 के आलोक में बिहार बोर्ड पटना द्वारा जिले में पंचायती राज निकायों द्वारा विधिवत यहाँ पर एक पर रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा आयोजित की जानी है। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है, किसी अधिकारी स्तर से यहाँ पर ऑनलाइन अप्रूव किया जाना तथा तत्पश्चात निर्गत एडमिट कार्ड को भौतिक रूप से प्रति हस्ताक्षरित करने का निर्देश दिया गया। एडमिट कार्ड साइन भी कराना होगा। अतः सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन उपरांत वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसको फिजिकली जाकर सिग्नेचर कराने के लिए हस्ताक्षरी के समक्ष यहाँ पर निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करना है, ताकि एडमिट कार्ड को वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो बहुत परिवर्तन देखो पढ़ने को मिला, क्योंकि सक्षमता परीक्षा देना है। और इस तो देख पर यहाँ पे पटना जिले से अपडेट, दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को दिया गया पदस्थापना पत्र। पटना जिले में बात करें दूसरे चरण में नियुक्त 90% यहाँ पे नवनियुक्त यहाँ पे शिक्षकों को मंगलवार तक पदस्थापना पत्र वितरित कर दिया गया है। बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में जिले में नियुक्त 2596 शिक्षकों को अब तक 2352 शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापना पत्र वितरित किया जा चुका है। पदस्थापना पत्र नहीं लेने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें कक्षा 6 से 8 के 557 शिक्षक, 9 से 10 के 755, 11 से 12 के 1000 शिक्षकों को विद्यालय स्थापना पत्र बांध दिया गया। मंगलवार को टीके घोष अकेडमी में 1000 शिक्षकों का स्थापना पत्र मिला है। वही जिला शिक्षा पदाधिकारी है यहाँ पर देख पर बताया कि दूसरे चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों में 90% शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापना पत्र दिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ शिक्षक नियुक्ति के बाद भी विद्यालय पदस्थापना पत्र लेने नहीं आए। जिस शिक्षकों ने विद्यालय पदस्थापना पत्र नहीं लिया है, वे टीके घोष अकेडमी से विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर पदस्थापना पत्र में फोटो, नाम या फिर स्कूल में संबंधित कोई त्रुटि हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं। और उसी के साथ एक और बहुत विवरण सक्षमता परीक्षा हेतु शपथ पत्र 2024 के पर प्रथम श्रेणी यहाँ पे दंडाधिकारी द्वारा आपका पत्र लिखना होगा। मैं पति का नाम, पिता का, आधार संख्या, ग्राम, पत्रालय, प्रखंड, ये सभी एक पर यहाँ पे इसको डालना होगा। वही वर्तमान जो शिक्षा की आपके पास DET है, ये सभी शपथ पत्र दोस्तों ये है 12-1 से 4 तक अंकित सभी विवरण आपको सही ये सब लिख करके आपको इसको जमा भी करना होगा। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे मुहर लगवा करके कार्यालय का। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर पढ़ने को मिली शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर यहाँ पे TR3.0 को लेके कि वित्त विभाग ने कुल 30,547 पदों की स्वीकृति दे दी है, जिसमें शिक्षा पद के लिए क्लास 1 to 12 तक 25,386 पदों की स्वीकृति दी गई है। और देख पा रहे हो बात करें शिक्षा के लिए अब 62,000 कुल यहाँ पर पद और भी जोड़े जाएंगे। ये रिक्तियाँ अलग अलग जिलों से फ्रेश भी मंगवाई गई हैं। TR2 की बची रिक्तियाँ भी इसमें शामिल है। अब सभी रिक्तियाँ एक साथ TR3 के लिए PPC को भेज दिया जाएगा, यानी कुल 87,386 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसकी विषयवार जानकारी जल्द मिलने की संभावना है। तो ये थी अपडेट। वीडियो को लाइक करें, इस तरह देख पाने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें।